नमस्कार। कई बार क्लासिकल गाने वाले या ज़्यादा रियाज करने वाले लोग होते हैं जो लाइट सिंगिंग में उस तरह के नोट का यूज़ करने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, प्लेबैक सिंगर और वर्सेटाइल सिंगर बनने के लिए आपको हर तरीके के गाने का जॉनर्स है, एक ही राग ले लें। एक राग में अगर हम बंदिश गाएंगे और उसी राग में अगर हम भजन गाएंगे, उसमें गज़ल गाएंगे, तो तीनों का जो पैटर्न है, गायकी का जो स्टाइल है, वो बदल जाता है। बट कई सारे लोग ये चीज़ें करते नहीं हैं। क्लासिकल में रियाज होता है गमक के साथ, खुली गायकी के साथ स्वर लगाए जाते हैं। ताने अलाप में ठहराव और मीट खटका गमक का प्रयोग होता है। लेकिन गज़ल में या सॉन्ग्स में क्लासिकल के नोट तो होते हैं, मान लो कि स्वर तो वही हैं, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका बदलता है, वो भाव के हिसाब से, फीलिंग के हिसाब से बदलता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। इसी शॉप का स्केल चल रहा है तानपुरे पे, जिंदगी जब तेरे बज़्म में लाते है हमें, जिंदगी जब तेरे बज़्म में लाते है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। अब इस गाने में अगर हम इसको क्लासिकल की तरह गाएंगे, जिंदगी जब तेरे बज़्म में, तेरे बज़्म में लाती है हमें, लाती है हमें, जिंदगी जब तेरे बज़्म में। अब यहाँ पे हम मुरकी लगा रहे हैं, तान लगा रहे हैं बहुत तेजी के साथ, तो शब्द के साथ उसका मेल नहीं बैठ रहा है। जिंदगी जब तेरी बज़्म में, तेरी बज़्म में, बड़ा सॉफ्टली तरीके से उन्होंने मुरकी ली है, है ना। तेरी बज़्म में लाती है हमें, लाती है हमें, ये कर्ण स्वर है, इसमें मुरकी और कर्ण दो तरीके का एक पैटर्न अभी मैंने आपको बताया। अब जब क्लासिकल में हम रियाज करते हैं मुरकी और कर्ण का, तो खुली गायकी के साथ करते हैं, बट इसको यहाँ पे बड़ा सॉफ्टली यूज करना होता है। जिंदगी जब तेरे बज़्म में, तेरे बज़्म में लाती है हमें। अब इसमें हम खुली गायकी में अगर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम इसको सॉफ्टली करें, जिंदगी जब तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब तेरे बज़्म में लाती है हमें। अब ये गज़ल का मूड बिल्कुल नहीं रहा। अब कितना भी अच्छा आपका गला है, बहुत अच्छी ताने हैं आपके गले में, बहुत अच्छी मुर्कियाँ हैं, लेकिन कहाँ कितना यूज़ करना है ये प्रेजेंट करता है, नहीं तो फिर
लोगों को पता चलेगा जरूर आप बहुत अच्छा गा रहे हो, टेक्निकली बहुत अच्छा गा रहे हो, बट लोगों को छुएगा नहीं गाना। तो इस सारी चीज़ों का बहुत गहरा ध्यान रखना पड़ता है, खासकर गजल गायकी और ठुमरी में भावों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना। भजन में भी, चलो भजन में भी खुल के गाया जा सकता है, बट गजल में बिल्कुल नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मुरकी, खटका, गमक, मीड, ये गाने में आएंगे, और इसको कैसे यूज़ करना है, जब आप क्लासिकल गाएंगे, अलाप ताने गाएंगे, बंदिशें गाएंगे, है ना, ध्रुपद गाएंगे, तब तो अलग होगा। लेकिन जब आप गज़ल गाएंगे, भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, ठुमरी गाएंगे, तब आपका जो स्वर लगाने का तरीका है बिल्कुल लिमिट में होना चाहिए। जितना अच्छा लग रहा है उतना ही लेना चाहिए। अगर आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा तो दूसरे को भी नहीं अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा हरकतें नहीं दिखानी है, गाने को गाने जैसा ही रंगने दीजिए ना, उसको चेंज मत करिए ज़्यादा। अगर आप सुर अलग लगाते हैं, कुछ वेरिएशन दिखाते हैं, उसमें भी आपको हरकतों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना। मुझे लगता है ये थोड़ा सा जो है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, है ना। और अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और कमेंट्स करें, इस फीडबैक जरूर दें, जिससे कि हमें टॉपिक मिलता है कि हमें किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।